बेटी पढ़ाते हैं, बेटी बचाते हैं और गरीब बेटियों की शादी भी करवाते हैं। कौन है ये शर्मा ब्रदर्स, जो न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं, फिर भी मसीहा की तरह करते हैं लोगों की मदद। हर रात ठंड में ठिठुरने वालों को देते हैं कंबल, तो गरीबों का स्कूल में करवाते हैं दाखिला। योगी को देखकर हर सुबह बेटियों के छूते हैं पैर, अपनी बेटी के सामने हो जाते हैं नतमस्तक। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए बन जाते हैं माता पिता की तरह भगवान। सबका साथ सबका विकास का नारा भले ही मोदी सरकार ने दिया, लेकिन शर्मा ब्रदर्स ने उसे ऐसे पूरा किया जिससे देख योगी मोदी भी हो जाएंगे हैरान। अलीगढ़ जिले के इतिहास में ऐसा आपने न कभी देखा होगा न कभी सुना होगा कि जब एक बड़े पंडाल के नीचे 104 पंडित मंत्रोच्चार करेंगे तो वहीं 12 मुस्लिम काजी निकाह भी पढ़ेंगे। बारातियों का स्वागत ऐसा कि हेलीकॉप्टर से कराई जाएगी पुष्प वर्षा। ये रामराज नहीं तो और क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये रामराज नहीं तो और क्या है। इस मतलबी दुनिया में और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाले मुद्दों के बीच अगर कोई इंसान जात पात ऊंच नीच धर्म को भुलाकर इंसानियत दिखाते हुए गरीब बेटियों को उनके जीवन में एक नई जान फूंक रहा है तो ये रामराज की ही निशानी है, क्योंकि ऐसा सिर्फ रामराज में ही संभव है। अयोध्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी को किए गए प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसका असर बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें बोल रही हैं। और कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता। ठीक उसी तरह संजय शर्मा और उनके भाई को भलाई के इस काम को करने के लिए भला किसी से पूछने की क्या जरूरत। भलाई भी ऐसी कि जब दाहिने हाथ से दान दिया तो बाहिने हाथ को पता तक नहीं चला। आनंद शर्मा और संजय शर्मा एक साथ 116 कन्याओं का विवाह करवाने जा रहे हैं और इस विवाह को करने के लिए वो किसी से भी एक पैसा नहीं मांग रहे। हैरानी की बात तो ये है कि इस सामूहिक विवाह में 8 लड़कियां ऐसी हैं जो अनाथ हैं। इतना ही नहीं, जात पात को पूरी तरह से भुलाकर 12 मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी मुस्लिम रीति रिवाजों से ही पूरा किया जाएगा। इन लड़कियों के मन में कोई इच्छा अधूरी न रह जाए इसलिए बारात में शामिल होने वाले सभी बारातियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मगर इन बहनों के लिए अवतार बनकर सामने आए शर्मा ब्रदर्स आकर है कौन, कहां से आए और ये दोनों भाई अपनी इन बहनों के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे। दरअसल शर्मा ब्रदर्स राम लक्ष्मण की जोड़ी का दूसरा नाम है। बड़े भाई आनंद शर्मा उर्फ मोनू कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं और पूर्व में अलीगढ़ के खैर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक उसी तरह उनके भाई संजय शर्मा सभासद रहे हैं। संजय शर्मा शुरुआत से ही सामाजिक कार्य में रुचि रखते थे और पिताजी के कहने पर ही लड़कियों की शादी में शामिल होकर ज्यादा ज्यादा कन्यादान करते थे। उन्होंने 5,000 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित कर उनकी सहायता की है। इसके बाद उन्होंने कक्षा 12वीं तक के जरूरतमंद बच्चों को बैग भी बांटे। लेकिन इनके जीवन में उस दिन बदलाव आ गया जब उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कन्याओं का पूजन करके उन्हें उनके पैर छूते देखा। सीएम योगी के कन्याओं के लिए इस आदर भाव को देखकर संजय शर्मा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने क्षेत्र की 11 कन्याओं की शादी करने की घोषणा कर डाली। लेकिन शादी होने की तारीख तक ये संख्या बढ़कर 31 हो गई, जिसमें 7 मुस्लिम बेटियों का कन्यादान भी उन्होंने किया। लोगों ने जब दोनों भाइयों के इस नेक काम के बारे में सुना तो सबने खूब शाबाशियां दी। कन्याओं के आशीर्वाद और लोगों की दुआओं का असर इस कदर फला फूला कि एक बार फिर से शर्मा ब्रदर्स 116 कन्याओं का कन्यादान करने जा रहे हैं। मगर इस 116 के आंकड़े के पीछे भी एक रोचक कहानी है। इस बार उन्होंने 51 लड़कियों की शादी करने की घोषणा की थी, लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, ये संख्या बढ़कर 116 हो गई, जिनकी शादी संजय शर्मा पीएम की दिनचर्या के साथ उनकी ऊर्जा और सीएम योगी आदित्यनाथ की निडरता से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वो जब भी अपने घर से निकलते हैं तो अपनी बेटी के पैर छूकर ही घर से बाहर निकलते हैं और भविष्य में ऐसे ही मजबूर और बेसहारा बहनों के भाई बनकर अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। शर्मा ब्रदर्स द्वारा किए जा रहे इस नेक काम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।